बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खेल के प्रति काफी जागरूक है। बिहार के कई इलाके जैसे राजगीर वगैरह में खेल के कई स्टेडियम बने हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनी हैं। लेकिन पटना जिले के बाढ़ और मोकामा में खेल के प्रति लड़कों और लड़कियों का ऐसा रुझान जागा है कि यहाँ बाढ़ में बॉल, बैडमिंटन और रग्बी में नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुके हैं कई लड़के लड़कियाँ। वहीं मोकामा के आउटा, हाथीदा, मराची इन इलाकों में कबड्डी जो है यहाँ के लड़के लड़कियों के नस में खून के तरह दौड़ रहा। लेकिन इनको क्या दिक्कत होती है, यहाँ की लड़कियाँ क्या दिक्कतों का सामना करता है, यही करना पड़ता है, यही सब कुछ जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोकामा के आउटा स्टेडियम में। खेल के प्रति, कबड्डी के प्रति कैसे जागरूकता हुआ और क्या सोचती हो यहाँ की? मेरा नाम प्राची कुमारी और मैं दरियापुर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे ग्राउंड पे बहुत सारी सीनियर दीदी है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल के जॉब ले चुकी है और मैं भी नेशनल लेवल पे खेल चुकी और लीग भी खेल चुकी हूँ। और फिर मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आई थी तो सीनियर दीदी को देख, सीनियर दीदी लोग बहुत ही मेहनत करते थे और प्रैक्टिस करते थे, उन्हीं लोगों को देख के मेरे अंदर भी। कितनी लड़कियाँ होंगी जो चाहती हैं कि हम नेशनल इंटरनेशनल खेलें? वो तो हमारे ग्राउंड पे तो वैसे जितनी आ रही है सभी के अंदर है ये जागरूकता कि आगे खेले और जॉब ले। यहाँ पर जो लड़कियाँ खेलती है उसको कुछ सरकारी स्तर पर जरूरत पड़ता है कि कुछ और मिले ताकि अच्छा खेलें? हम लोग को तो बहुत चीज का जरूरत है लेकिन यहाँ पे हम लोग को मिलता नहीं है। हम लोग को तो सबसे पहले सेफ्टी ग्राउंड चाहिए जो कि हम लोग के पास नहीं है। हम लोग कभी यहाँ प्रैक्टिस करते कभी वहाँ, यहाँ पे कुछ समय, कुछ दिन पहले यहाँ पे पानी आ गया था तो हम लोग प्रैक्टिस करने कहीं और जाते थे। रामटोला में एक स्कूल था वहीं पे, तो हम लोग चाहते हैं हम लोग को सेफ्टी ग्राउंड चाहिए तब हम लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर क्या यहाँ पर होना चाहिए जिसकी कमी है? यहाँ तो जैसे सरकार का जो नीति है खेल के प्रति वो तो अच्छा है, बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी बिहार में जो है सो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम बना है राजगीर में, तो ये हम लोग को बल पहुंचाएगा, पूरे बिहार को बल पहुंचाएगा। इसके साथ साथ जो हर पंचायत में खेल मैदान या स्पोर्ट्स क्लब ये सब जो है, यह सब भी बल पहुंचाएगा। लेकिन साथ ही जैसे हम जो चाहते थे उसमें यह जोड़ना, और जो हमारा मतलब सुझाव है कि अगर सरकारी पदाधिकारी कोई देख रहे हों तो उनको यह सुझाव है कि जहाँ की बच्चियाँ खेलना चाहती है, बिहार के अंदर किसी भी गांव की बच्चियाँ अगर खेलना चाहती तो उसके लिए एक सुरक्षित मैदान हो और उसके अंदर में उसका अपना चेंज रूम हो, वॉशरूम हो, या इस तरह का जो भी होता है फर्स्ट एड हो, जिम हो, ये सब जो है सो किया जाए। क्योंकि बच्चियों को थोड़ा सा अलग अगर सुविधा नहीं दिया जाएगा तो इसके वजह से संकोचवश बहुत सारी बच्चियां नहीं आ पाती है, और अगर आती है तो कुछ गार्जियन लोग समाज के दबाव में उसको फिर वापस कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा परेशानी है। सामाजिक बदलाव आएगा और आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन साथ में अगर इस काम को अगर किया जाए कि बच्चियों के लिए सुरक्षित मैदान का व्यवस्था कर दिया जाए तो और तेजी में जो है सो यहाँ वो महिलाओं में जो है सो एक गतिमान जो है सो बदलाव आएगा और यहाँ से और बच्चियाँ नेशनल इंटरनेशनल जो है सो निकलेंगी, बिहार से बहुत सारी बच्चियाँ निकलेंगी। तो ये थे यहाँ के कोच मोहम्मद इलियास, जिनका कहना है कि बच्चियों में टैलेंट है, सरकार भी कर रही है बिहार लेवल पर बच्चियों को और लड़कों को खेल में बढ़ाता, अब जरूरत है सरकार के घोषणा को अमली जामा पहुंचाने का। खेल मंत्री ने जो घोषणा की थी कि हर पंचायत में हम स्टेडियम बनाएंगे, तो जिस तरह से मोकामा के आउटा, हथदा, मराची के इलाके में बच्चियों में निखार है, नेशनल इंटरनेशनल खेल रही हैं, वैसे में सरकार को चाहिए कि उन्होंने जो घोषणा की है और जो कर रहे हैं मोकामा में भी एक बच्चियों के खेलने के लिए मैदान दिया जाए, स्टेडियम दिया जाए, ताकि मोकामा की बच्चियां पहले तो कर ही रही थी, आगे भी नेशनल और इंटरनेशनल खेलकर बिहार सहित भारत के लिए मेडल ला सके। मोकामा के आउटा ग्राउंड से ग्राउंड जीरो के लिए कमालुद्दीन।